अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है आर्कियोलॉजी. नोज ऑफ नो आर्यंस ओनली लिटरेचर नोज ऑफ आर्यंस एग्जामिन क्रिटिकली. सो देखो क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात आ गई, मतलब आपको आलोचना करनी है. यू हैव टू मेक अ क्रिटिसिज्म हियर दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और नॉट, हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको यहाँ पर ये अंडरलाइन करना है. सो सिंस वी नो दैट विद रिस्पेक्ट टू आर्यंस वी डू नॉट हैव मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज, द एविडेंसेज दैट वी रिलाई अपॉन आर मोस्टली लिटररी एविडेंसेज इन द फॉर्म ऑफ वैदिक लिटरेचर. दैट इज़ वाई अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या आती है कि अगर सिर्फ लिटररी सोर्सेज ही होंगे या ज़्यादा लिटररी सोर्सेज होंगे तो कंपैरेटिव स्टडीज नहीं हो पाती हैं और इंटरपोलेशंस बहुत सारी हो सकती हैं लिटररी एविडेंसेज में. बहुत सारा यहाँ पर यू कैन से इंटरप्रिटेशंस का डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारा रियलिटी से आप थोड़ा हटके भी बात कर सकते हैं. लिटररी सोर्सेज में ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज जो हैं वो उस वक्त की रियल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं. इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर रिलाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका एक सप्लीमेंट करना लिटररी सोर्सेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये है इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड, मतलब कहाँ से ये क्वेश्चन निकला, क्यों आया ये क्वेश्चन. तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पहले आप अंडरस्टैंड करो कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, क्यों ये पूछा जा रहा है. आपको ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो फ्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो अब यहाँ पर आप बात करोगे कि आर्कियोलॉजी जो है उसने यहाँ पर हालांकि कुछ खास बातें नहीं कही हैं, लिटररी एविडेंसेस ही हमारे पास ऐसे हैं, वैदिक लिटरेचर हमारा ऐसा है जो कि सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनफैक्ट द स्पिरिचुअल एलिमेंट ऑफ द आर्यंस पर कमेंट करता है, हमें इंफॉर्मेशन हमें नॉलेज देता है. हेंस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज जो हैं, अब सिंस लिटररी में इंटरपोलेशन है तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज चाहिए, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास आर्यंस को लेके ज़्यादा नहीं है. ये बात आपने स्टार्टिंग में बता दी कि पहले ही ये स्टेटमेंट की क्लैरिटी में दे रही हूँ कि जी सही बात है ये कि लिटररी एविडेंसेस के थ्रू हम जानते हैं आर्यंस को, लेकिन ऐसा कहना कि ओनली लिटरेचर नोज ऑफ आर्यंस, नो आर्कियोलॉजी नोज ऑफ नो आर्यंस, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं, ये बात थोड़ी सी गलत है. फिर आगे आने वाले जो मेरे बॉडी है उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे मेरे पास लिटररी एविडेंसेस ज़्यादा हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की कमी है मेरे पास. तो हाँ, आप यहाँ पर बता देंगे कि लिटररी एविडेंसेस के थ्रू हम सारी आउटलाइन ऑफ द आर्यंस लाइफ हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, चाहे वहाँ का पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो. डीपर से डीपर नॉलेज जो है हम वैदिक लिटरेचर के थ्रू बता पा रहे हैं ऑफ द आर्यन लाइफ, बट At the same time, I am able to underline here certain archaeological evidences. Like, आप यहाँ पे सबसे पहले ऋग्वेदा के geographical region की बात कर रहे हो, उसके बाद आप PGW, painted graveware culture की बात करते हुए बता देंगे कि हमें ये culture मिला है, which is of course the archaeological evidence. This pottery, this type of settlements. In the Himalayan foothills, we have found up till Malwa, that is Madhya Pradesh region तक जाकर. From Pakistan up till UP, प्रयागराज तक जाके हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं. But the main distribution of the sites जो है वो कहाँ पर है, कहते हैं इंडो गैंजेटिक डिवाइड यानी गैंजेटिक वैली के अंदर है, अपर गंगा प्लेन्स के अंदर है. ये हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से. दिस इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. तो जहाँ ऋग्वेदा हमें बता रहे थे अबाउट द ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ हमें ये भी बता रहा है अबाउट द ज्योग्राफिकल एरिया. Apart from that, iron objects को देख के अगेन वन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वी आर एबल टू टेल दैट यहाँ पर वीट राइस बार्ले का कल्टिवेशन होता था. एंड इसका कल्टिवेशन एक ऐसी प्लेन्स पे हो पाना जो कि गंगा प्लेन्स हैं जहाँ पर एलोवियल सॉइल है, राइट. वहाँ पर आप लकड़ी का हल चला ही नहीं सकते, वुडन प्लो विल नॉट बी पॉसिबल. हेंस दिस वॉज द नीड ऑफ द टाइम कि आपको कोई हार्ड मेटल चाहिए, तो आयरन प्लो वॉज यूज and we have found the evidences of it. We believe कि यहाँ पर ये चीज़ है. Iron objects इतने मिल रहे हैं तो iron का plow use किया होगा. Bones मिल रही हैं, cattle, sheep, goat, pigs, तो indicate क्या करता है, that probably these were parts of the diet or these were part of agricultural activities, इनको utilize किया जा रहा है. Again it is an archaeological evidence. तो ये सारी बातें कहकर
हम यहाँ पर एंड में लिख सकते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है हमें कि नॉलेज जो हमें लिटरेरी एविडेंसेस से मिल रही है वो ज़्यादा डिटेल्ड है, बट ये कहना कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें यहाँ नहीं मिलता है, ये चीज़ गलत है और इसीलिए हमें यहाँ पर इसे मेंशन करना होगा दैट वी हैव फाउंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, दो दे आर लेस इन नंबर बट येस दे डू एग्जिस्ट। ओके, इस तरीके से लिख के आप अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। सो अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन मैंने कैसे लिखा है, टेलिंग द एसेंस, जैसे मैंने पहले बताया, आइदर यू राइट द एसेंस और यू राइट द सिग्निफिकेंस द इम्पॉर्टेंस और यू राइट द फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ इट, किसी भी तरीके से कंक्लूजन को लिखो। सो दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अगला क्वेश्चन हमारे पास आने जा रहा है, द वर्न कॉन्सेप्ट में ऑलवेज हैव बीन लार्जली अ थ्योरेटिकल मॉडल एंड नेवर एन एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोसाइटी, कमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो वर्न सिस्टम के ऊपर कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं ये हमें यहाँ पर, जहाँ पर आप देखेंगे उसको थ्योरेटिकल एक मॉडल के रूप में कहा जा रहा है, यानी थ्योरेटिकल कह रहे हैं कुछ और था, प्रैक्टिकल कुछ और था, यहाँ पर ये अंडरलाइन की करने की कोशिश की जा रही है। तो इन शॉर्ट यू हैव टू अंडरलाइन द फैक्ट कि क्या आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिल रही थी, तो एक्सेप्शंस के बारे में लिखना है यहाँ पे, ये डिमांड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ओके, सो यू नीड टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द नॉलेज कि क्या एक्सेप्शंस यहाँ एग्जिस्ट करी हैं। सो वी नो दैट कि लेटर वैदिक पीरियड में जब हम एंटर करते हैं, सो द वर्ण सिस्टम बिकेम क्वाइट रिजिड वेयर नो सोशल मोबिलिटी वॉज अलाउड, बट there were certain circumstances where the lawgivers of the society who were coming in the future, the brahmanas, jo society ka order define karte the, unko ye feel hone laga that ye rigidity jo hai kahin na kahin us brahmanical society ko shayad bikhar sakti hai, usko destroy kar sakti hai, because ek reaction from the so called the lower varnas, वैश्यस एंड शूद्रास, एक हमें वो रिबेलियस टेंडेंसीज नज़र आने लगी थी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस ब्रह्मानिकल सोसाइटी द लॉ गिवर्स एक्चुअली डिसाइडेड टू गिव सर्टन कंसेशंस। ओके, तो वो किस रूप में हमें देखने को मिलते हैं, क्या जितना लिखा गया क्या उतना ही ये रिजिड था या नहीं प्रैक्टिकली, ये हम यहाँ पर एक लिखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो ये रिजिडिटी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर पुरुषोक्ता हिम के रूप में देते हुए, यू विल राइट हियर दैट पुरुषोक्ता हिम वॉज द वन वेयर वी हैव फाइंड द फर्स्ट रेफरेंसेज ऑफ द वर्ण ऑर्डर वेयर द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस, टेंथ मंडल ऑफ ऋग्वेदा में हमें देखने को मिलता है। लिटरेचर और ट्रेडिशन ऑफ एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब करते थे फोर फोल्ड सिस्टम को, इनफैक्ट द किंग वॉज ऑल्सो ऑर्डर्ड और यू कैन से एडवाइज टू प्रोटेक्ट दिस वर्ण आश्रम धर्म। द वर्ण आश्रम धर्म इज वॉट, वर्ण सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, कि जो जैसा काम जिसको दिया गया है वो वैसा ही करते रहे। बट प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पर देखें, सो वी हैव फाउंड सर्टेन चेंजेस एज मैरिजेस को हम देखते हैं, हालांकि ये एंडोगैमस थी, प्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्योरिटी ऑफ वर्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। आउटसाइड मैरिज करना अच्छा नहीं माना जाता है, कंडेम किया जाता था, लेकिन आप देखेंगे प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं हमें कुछ कंसेशंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर दो डिफरेंट वर्णास के बीच में भी मैरिजेस को दिखाया गया, वेयर वी सी द प्रेजेंस ऑफ अनुलोम मैरिजेस एंड प्रतिलोम मैरिजेस इन द लेटर वैदिक टाइम्स, इनफैक्ट इन द लेटर पीरियड्स। उपनिषद्स के अंदर जाके अगर आपको ये मिलेगा अनुलोम और प्रतिलोम मैरिजेस का प्रेजेंस, विच इंडिकेट्स दैट थ्योरेटिकली बातें कुछ और थी और प्रैक्टिकली कुछ और थी। हालांकि अनुलोम और प्रतिलोम में भी जो मैरिजेस डिस्करेज करी गई हैं वो प्रतिलोम मैरिजेस हैं, अनुलोम फिर भी अलाउड है, दैट इज़ द मैरिज बिटवीन द टू वर्णास, द वेयर द फीमेल इज़ फ्रॉम द लोअर वर्णा एंड द मेल इज़ फ्रॉम द हायर वर्णा, दिस काइंड ऑफ मैरिज इज़ अलाउड, बट द रिवर्स इज नॉट अलाउड। सो ये बात हुई यहाँ। लैंड जो था प्राइमरीली आप देखोगे वैश्य कम्युनिटी का एक सफियर हुआ करता था, ये उनके अंडर थी चीज़, एग्रीकल्चर कम्युनिटी वो थे जहाँ पे लैंड को कंट्रोल करना ऑफ कोर्स इन्हीं का काम था, लेकिन जब बाद में जाके हम देखते हैं कि लैंड वाज यूज्ड एज अ डोनेशन पर्पस बाय द किंग्स टू द ब्राह्मण्स, देन यू विल ऑब्जर्व दैट इवन ब्राह्मण्स वर नाउ इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर एंड
they started taking part in it. So you can see that Brahmins could carry agriculture. ये तो बहुत ही अलग बात हो चुकी थी. जो क्लास बनी ही सिर्फ पूजा पाठ या लर्नर क्लास थी, जो वो काम कौन सा कर रही है जो कि वैश्यास का हुआ करता था, राइट? तो दे वर इन्वॉल्व्ड इन इट, नॉट एक्चुअली डूइंग इट, बट दे वर इन्वॉल्व्ड इन इट. सो दैट इज हाउ दिस सिस्टम हैड चेंज. एंड इन फैक्ट यू विल सी, इन ऑर्डर टू गिव दिस अ काइंड ऑफ अ रिकग्निशन, अ काइंड ऑफ अ स्टैम्पिंग, टू गिव इट अ सैंक्शन, इन द स्टोरीज, इन द रिलीजियस स्टोरीज माइथोलॉजी, लॉर्ड परशुराम वॉज डिपिक्टेड एज कैरिंग प्लोशेयर, फिर इज कैरिंग द हल, हल उठाते हुए दिखाए गए. तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की ट्राई करी गई दैट द वंस हु आर डिवाइन, है ना, द वंस हु आर कनेक्टेड टू गॉड, द ब्राह्मणस कैन एक्चुअली कैरी दिस जॉब. इन द वेक ऑफ आउटसाइड इन्वेडर्स वी नो दैट किंगशिप टाइज जो हैं, किंगशिप रोल्स जो हैं, वो बदलने लगते हैं. ब्राह्मण्स जो हैं वो तभी सर्वाइव कर सकते थे अगर वो लोग यहाँ पर उन आउटसाइडर्स को एक दर्जा देते, उनको एक स्टेटस देते, बिकॉज अल्टीमेटली द किंग इज गोइंग टू सपोर्ट द ब्राह्मण, बिकॉज ब्राह्मण इज द वन हु इज गोइंग टू गेन द दक्षिणा. उसको तो दक्षिणा मिलनी है, तो दक्षिणा जिसको मिलनी है वो इंसान देने वाला कौन है? राजा. तो राजा को तो आपको ऊंचा उठाना ही पड़ेगा. तो जब आप देखोगे फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, they will not treat them as malech, they will not treat them as untouchables, rather they will treat them as the ones jiske andar unko fallen kshatriyas kaha gaya, matlab vratya kshatriya word use kiya jata hai for the kushanas, matlab degraded kshatriyas, kahe kshatriya hi rahe hain lekin fir bhi apna ek status dikhate hue unko degraded kshatriyas bol rahe hain, lekin sacrifices perform kar rahe hain wo, राइट? सो ये चीज यहां पर अंडरलाइन करी गई. इसके बाद इट वॉज नॉट ऑलवेज इम्पॉसिबल लोअर कास्ट का टू मूव अप टू द लैडर. अगर कोई चाहता था, स्पेशली लोअर कास्ट, लोअर वर्ण का पर्सन, टू लिव अ प्योर लाइफ, तो कुछ एक्सेप्शंस ऐसी दी गई थी जहां पर वो ऐसा काम कर सकते थे, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं. जनरल ऑर्डर जो था वो वैसा ही था जैसा थ्योरेटिकली लिखा गया था, ठीक है? तो आप ये बात भी यहाँ मेंशन कर देंगे कि ऑल दो वी हैव फाउंड सर्टेन एक्सेप्शंस, बट जनरली द ऑर्डर दैट वॉज एडवाइज्ड वॉज ऑलवेज द वर्ण सिस्टम ऑफ द वैदिक पीरियड, द लेटर वैदिक पीरियड, वेयर द सोसाइटी वॉज केप्ट एज अ रिजिड सिस्टम, अ रिजिड स्फीयर, ओके, वेयर नो सोशल मोबिलिटी वॉज अलाउड, ओके. फाइनली आप लिख देंगे यहाँ पे कॉन्क्लूजन में कि now it is clear that Brahmins with their monopoly rights over the law making and sanctioning actions had modified, jaise jaise sama badalta gaya, samay ki need jaisi aati gayi, वैसे वैसे society के जो interests हैं उनको manage करने के लिए यहाँ पर theoretically कुछ और चीज़ें थी, लेकिन changes जो हैं उनके साथ उनको accommodate करना था. foreigners आ रहे हैं, नई जातियाँ, नई tribal communities जो थी वो यहाँ पर इस fold के अंदर enter करती जा रही हैं. So you have to actually involve them in your this varna system, but you cannot be rigid with them. Hence, आपकी ब्राह्मणिकल सोसाइटी को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको इंटैक्ट रखने के लिए, you need to obviously increase your fold. You have to involve these people who are outsiders, who are foreign elements, like the ones who are tribal communities. उनको आपने जोड़ा, उनको आपने बताया, आपने उनको ऐसा एहसास दिलाया कि आपके जो भगवान हैं वो इन्हीं भगवान के जो वैदिक गॉड्स हैं, लेटर वैदिक गॉड्स, विष्णु, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, इनके ही इनकार्नेशंस हैं. सो दे स्टार्टेड रिलेटिंग. पिलग्रिमेजेस कहाँ बनाई गई? ट्राइबल एरियाज में बनाई गई, सो दैट एक लिंकेज जो है ट्राइबल कम्युनिटी के साथ बना रहे, एंड पीपल जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है वो वहाँ पेरिफेरल एरियाज तक फैल जाए. द फॉरेन एलिमेंट्स, the foreign invaders, the ones who are coming in the postmodern period, these shakas, these kshatriyas, you will observe that Rudradaman the first, jo ki shaka king rehte hain, he is the one using sanskrit in his inscriptions, entire chest sanskrit mein likh rahe hain. So ab dekho brahmins ka kitna support raha hoga yahan par, right? ye log agar itne lambe samay tak survive kar rahe hain as kings, so
ऑब्वियसली देर हैज टू बी सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण क्लास, देर हैज टू बी सपोर्ट ऑफ द प्रीस्टली क्लास. सो इनको भी तो फोल्ड में लेना था ब्रह्मानिकल सोसाइटी के. तो ऑब्वियसली देर वर सर्टेन चेंजेस टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर विद यू एंड